हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सॉल्व द एग्जाम पेपर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट टू एग्जामिनेशन 2018 राजस्थान यूनिवर्सिटी। 3 यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस यूनिट 4th, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड ऑन April 30, 2017 फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। फाइन, नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है आपको, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 707 से रिलेटेड। फाइन, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको दोनों प्रिपेयर करनी है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 707। फाइन, सबसे पहले हम इसमें मटीरियल लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको ट्रायल बैलेंस में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 707 से रिलेटेड मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस और प्लांट, इन चारों की इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो हम उसे यूज करके मटेरियल लिखेंगे, डैट इज 60,000 का, तो 2 मटेरियल 60,000, 2 डायरेक्ट लेबर 83,000, 2 एक्सपेंसेस 4,000 और 2 प्लांट 16,000। फाइन, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ अब आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है देखिए। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2,40,000 एंड द कस्टमर हैज सो फॉर पेड 1,28,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब आपको वर्क सर्टिफाइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या कि आपने वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव किया है। वर्क सर्टिफाइड का आपने 80% कैश रिसीव किया है। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। कैश रिसीव्ड है 1,28,000, तो क्या हो गया, 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, तो ये क्या आ गया आपका, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। अब आपके पास वर्क सर्टिफाइड आ गया। अब आपको ये भी बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है हमारा, 2,40,000, कितना है, 2,40,000, 2,40,000 के 80% से अबव है। कैसे, ये देखिए, आप इसको करेंगे सॉल्व, डैट इज 1,20,000। अब इससे ये क्या हो गया, अबव हो गया। तो अबव होने पे हमारी कंडीशंस गिवन है, क्या कंडीशंस है, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से क्या है, ज्यादा है, तो हम नोशनल प्रॉफिट का 2/3 किसमें ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ऐसे हमने P&L अकाउंट का अमाउंट निकाल लिया है। नोशनल प्रॉफिट अभी हम पीछे कैलकुलेट करने वाले हैं, और 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन है, वर्क सर्टिफाइड है। फाइन, तो ऐसे हम इसकी अमाउंट निकाल लेंगे नोशनल प्रॉफिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके। वर्क सर्टिफाइड आपका कितना आ गया, 1,60,000। फाइन, अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 1,600, दैट मीन सर्टिफिकेशन के बाद में कितना वर्क किया गया, 1,600 रुपये का किया गया, तो वो अनसर्टिफाइड हो गया, अनसर्टिफाइड में आपने 1,600 रुपये कर दिए। और मटेरियल देन ऑन साइट वॉज वैल्यू एज रुपीज 2,700, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, कितने का, 2,700 का, जिसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो आपने क्या लिख दिया, बाय मटेरियल एट साइट 2,700। अब आपने क्या किया है, प्लांट रिटर्न भी किया है, कितने रुपए का, 3,200 रुपए का, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्लांट रिटर्न। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट है प्लांट एट साइट, आपने प्लांट रिसीव किया है 16,000 का, और रिटर्न कितने का कर दिया, -3,200, 3,200 रुपए इसमें से लेस कर दिए, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 12,800। ये आपका कहाँ पे रह गया, इस कॉन्ट्रैक्ट पे प्लांट रह गया, प्लांट एट साइट।
तो यहाँ पे ये कितने का बच गया, 12,800 का प्लांटेड साइज। अब बारी है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन में बोला गया है कि आप कितना लेंगे, बिल्डिंग पे है 10% और प्लांट कोई सा भी प्लांट है तो वो है 12.5%। फाइन, तो कोई सा भी प्लांट, डेट मीन्स प्लांट रिटर्न और प्लांटेड साइट दोनों है, दोनों पे आपने क्या कर दिया, 12.5% से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। वैल्यूज ये आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है, आपको और भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द लेबर अक्रूड ₹600। दैट मीन्स लेबर के लिए भी आपने ₹600 चार्ज करने हैं, तो टू वेजेस अक्रूड 600। इस टोटल में से इन सब वैल्यूज को लेस कर देंगे, नोशनल प्रॉफिट आ गया आपका 14,700 का। नोशनल प्रॉफिट को हमने पीछे प्रॉफिट ट्रांसफर वाले अमाउंट में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए ये 14,700 को यहाँ ट्रांसफर करके हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L डेट इज 7,840। सबसे पहले ये आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट BD 14,700, देर आफ्टर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना पीछे कैलकुलेट किया था 7,840, और बैलेंस किस में चला जाता है, टू WIP डेट इज 6,860 बैलेंसिंग फिगर में। फाइन, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका तैयार हो गया है। नाउ वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्टर एज ऑन 30th अप्रैल 2017। नाउ अब आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो आपने लिख दिया शेयर कैपिटल वाले में 3518 के शेयर ₹10 ईच में, तो फाइनल अमाउंट 35180। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, इसको हम पीछे कैलकुलेट करके लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जिसमें क्रेडिटर्स आएंगे हमारे 8120 के गिवन है ट्रायल बैलेंस में, वेजेस अक्रूड कितने की आ गई, 600 की। नेक्स्ट इज असेट साइड, असेट साइड में सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 7400। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आप 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्लांट का कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, इसको आप रुक जाइए, पहले हम देख लेते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में आ गया कैश एट बैंक, क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 4500 का। मटीरियल एट साइट क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 2700 का, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। नेक्स्ट है WIP, WIP में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आपने लिख दिया है, क्लियर है। टोटल आ गया लेस WIP रिजर्व होता है जो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लास्ट में ट्रांसफर किया, ये देखिए WIP रिजर्व में 6860, ये हमने लेस कर दिया WIP रिजर्व का, तो WIP बैलेंस आ गया 154740। अब इसमें से हमें कैश रिसीव्ड लेस करना होता है, वो है 1,28,000 का। WIP का कैलकुलेशन हो गया, हमें दो कैलकुलेशंस देखने हैं, फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है, सेकंड है प्लांट का। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ P&L, ये देखिए बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। फाइन, तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्या बैलेंस गिवन है, नोशनल प्रॉफिट का आपने कुछ परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था। देखिए ये प्रॉफिट वाला, इसको भी आप ऐड कर लेंगे क्योंकि ये आपका इस ईयर का प्रॉफिट है, ये आपका ऐड हो गया, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 10,340। फाइन, नाउ अब इस प्रॉफिट में से ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट नॉट इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट। प्लांट एट कॉस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, डैट मीन्स ये किस में इशू नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे इशू नहीं हुआ है, तो इस प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, तो 5200 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 10% से चार्ज होना है, तो 7400 के 10% से, ठीक है। रिटर्न और प्लांटेड साइड जो कॉन्ट्रैक्ट पे था उसकी एंट्री हम पहले कर चुके हैं,
इसलिए दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रॉफिट में ये चीज एडजस्ट हो चुकी है। प्रॉफिट शोन एज बैलेंस शीट कितना हो जाएगा आपका 8950, क्लियर 8950। नाउ प्लांट का हम कैलकुलेशन देख रहे हैं। अब देखिए प्लांट एट द बिगनिंग कितना होगा, 5200 आपको क्वेश्चन में गिवन है और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 707 से रिलेटेड भी गिवन है 16000 का, तो टोटल हो गया हमारा 21200 का। अब आप इसमें सारे डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट बिगिन में गिवन है आपको 6300 का। नाउ डेप्रिसिएशन जो प्लांट पे रिटर्न हुआ था उस पे 3200 पे 12.5%। प्लांट एट साइट ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर का है 12800 पे 12.5% से। और प्लांट नॉट इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 5200 का 5200 का 12.5%। अब प्लांट से रिलेटेड सारे डेप्रिसिएशन आपने इस प्लांट में लिख चुके हैं, फाइन। नाउ अब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका डेट इज 12250 जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखिए 12250, फाइन। आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों कंप्लीट हो चुकी है।